सीपीआर प्रोजेक्ट की दी गई ट्रेनिंग से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बचाया गया। नमस्कार, मैं हूँ सुमेश्ता बिश्नोई और आप देख रही हैं ट्रिपल एस न्यूज। मदर एलएस कर्मा फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित छात्र के प्रयासों से घायल व्यक्ति की जान बची। मदर्स एलएस कर्मा फाउंडेशन के सीपीआर प्रोजेक्ट के तहत दी गई ट्रेनिंग के कारण जयपुर रोड जाट छात्रावास के पास हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बचाया गया। फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सुमन चौधरी व महासचिव डॉक्टर अनुपमा चौधरी द्वारा बताया गया कि दिसंबर माह में जाट छात्रावास में 60 स्टूडेंट्स के बैच को डॉक्टर आदेश आचरा व डॉक्टर संजय महेरिया द्वारा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करके सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई, जो कल हुए हादसे में घायल व्यक्ति की जान बचाने में मददगार साबित हुई। कल दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास जाट छात्रावास के सामने एक अनजान टैक्सी ड्राइवर का एक्सीडेंट बेहोश होकर गिर जाने से हो गया था, जिसके कारण उसकी सांसें रुक गई। वहां पर मौजूद जाट छात्रावास के रक्तवीर राजेश फौजी व अनिल सार ने तत्काल प्रभाव से 15 मिनट में सीपीआर देकर उसको होश दिलाया। उसके बाद एम्बुलेंस के साथ दोनों ने पीबीएम जाकर फर्स्ट एड करवाने के बाद उसके परिचित को सूचित करके इलाज शुरू करवा दिया। दोनों छात्रों द्वारा जो नेक कार्य किया गया है वह बहुत ही सराहनीय और उच्च स्तर का है। सबसे बड़ा मानव धर्म है किसी व्यक्ति की सांसें रुकने, हार्ट अटैक आने या अन्य परिस्थिति में सीपीआर देकर मरीज को बचाया जा सकता है।